अच्छा अच्छा नहीं EMI पे कीजिएगा तो 3 महीना बाद आपका सिविल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। और आप पर कॉल मैसेज आएंगे और आपको बोला जाएगा लीगल एक्शन, ये भी कुछ नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं, आवाज आ रही है आपको? आवाज आपकी कट रही है, थोड़ा लग रहा है कि इंटरनेट स्लो है। अच्छा अच्छा नहीं कुछ नहीं होगा, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, समझ गए, सिविल डाउन होगा, समझ गए। आगे आगे मतलब वैसा ही रहेगा, सेटलमेंट के लिए फोन करे चाहे बाद में चाहे हम, अभी तो किसी पर नहीं करता है लेकिन देखिए फ्यूचर में कभी करे, लेकिन ऐसा ही रहेगा। हाँ ये अनसिक्योर है ना, सिक्योर नहीं ना है कि लीगल एक्शन आप पर हो जाएगा, ये देखिए बात समझिए, क्योंकि आपको तो लोन देखा तो नहीं ना है कि मतलब कि आप कितना कमा रहे हैं क्या किए हैं, ऐसे लिमिट मिल गया आपका, पैसा दे रहे हैं बढ़ रहा है, तब ये तो पे लेटर है भाई, ये कहाँ से कुछ भी लीगल एक्शन होगा। लीगल एक्शन होगा तो फिर वो समय लीगल एक्शन होता है ना जिसमें गारंटर ये सब रहते हैं, उसमें होता है, बड़ा बड़ा लोन अमाउंट होता है उसमें होता है ना, इसमें नहीं होगा कुछ भी। ठीक बिल्कुल 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 कर लीजिएगा, चाहे तो हम वीडियो डालते हैं रील वीडियो, उसके कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा तो रिप्लाई मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है रिप्लाई देने में ना, कैसे कि बहुत सारा मैसेज आता रहता है। कमेंट कर दीजिएगा ठीक है, नहीं अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। देखिए पैन कार्ड आधार कार्ड डाल दिया ना, उसमें कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता है, वहीं जाकर पूरा डॉक्यूमेंट देंगे, घर के कागज, ये कागज, वो कागज, तो वहां पर दिक्कत होगा आपको। हाँ ठीक है चलिए दोस्तों, इनको हम बता दिए तो कॉल कर इसलिए लोगों के पास मतलब की बात करना पड़ता है ताकि आप लोग यही वीडियो देखें तो आपको सिम तोड़ दिए, डिजिटल बैंक से लोन था। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, तो डिजिटल बैंक ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, EMI कर ये भी चल रहा है भाई, प्ले स्टोर पर नया नया ये एप्लीकेशन चल रहा है, तो इसका आपको रिपेमेंट नहीं करना है, कोई भी सिम तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग इग्नोर कीजिए तो वही बेटर रहेगा, जितना हो सके उतना आप लोग इग्नोर कीजिए, एक भी रुपये आपको देने की जरूरत नहीं है, इग्नोर जितना कीजिएगा उतना आप लोग बेटर रहेगा। तो चलिए यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड से इतना का बाकी था, चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, तो ऐसे लोगों पर हम कॉल लगाकर इस चैनल पर मतलब का वीडियो डालना चालू कर दिए हैं, चाहे तो हमेशा इस पर चलता ही रहता है भाई, जो मेन चैनल है जो टेक्निकल जीपर चैनल है उस पर ये नहीं रहता है, ताकि 5-5 मिनट का वीडियो रहे ताकि लोगों को समझ में आए और जानकारी आसानी से मिले। चलिए कनेक्टिंग बता रहा है, लग तो नहीं रहा है यहाँ पर भाई, लिंक ओपन नहीं हो रहा है, चलिए कॉल लगा रहे भाई, छोड़िए तब नहीं ओपन हो रहा तब क्या करें भाई, यूजर नेम सर्च कीजिएगा तो आसानी से मिल जाएगा, इसीलिए तो बोलते रहते वीडियो में नहीं लिंक ओपन हो रहा है, तो आप लोग यूजर नेम सर्च कीजिए, टेक्निकल जीपर जो चैनल के नाम है उसी चैनल के नाम से आप लोग यूजर आप सर्च कीजिएगा तो आसानी से मतलब कि आपको मिल जाएगा, अब नहीं ओपन हो रहा है तो उसमें भाई हम क्या करें आप ही बताइए। तो चलिए यहाँ पर सर मैंने एम पॉकेट से लोन लिया था, अभी तक मतलब कि नहीं चुका पा रहा हूँ, मतलब कि आधे पैसे में दिया था बाकी रहे हैं अभी दे नहीं पा, एजेंट घर आएंगे क्या? चलिए कॉल लगाते भाई, कितना का लोन है वो डिपेंड करता है, उसके बाद एरिया वाइज डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पर घर है, आप मतलब कि कहाँ पर रहते हैं उस हिसाब से मतलब कि डिपेंड करता है कि आपके घर पर
कोई भी रिकवरी एजेंट आए या ना आए, तो ऐसे रिकवरी एजेंट कोई भी नहीं आ जाता है। तो सारा चीज डिपेंड करता है भाई, आपका लोन कितना का है क्या है, तभी मतलब कि रिकवरी एजेंट आपके घर पर आते हैं। ऐसे कोई भी रिकवरी एजेंट यहाँ पर नहीं आते हैं। पेटीएम पेमेंट लेट हो गया है, आईटी ब्लॉक हो गई और कॉल आ रही है, एडवोकेट का बोल रहे हैं केस होगा। तो कोई भी केस नहीं होगा भाई, जो ये बोल रहा है केस होगा ये सब, तो कोई भी केस होने वाला नहीं है। टेंशन लेने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो एडवोकेट का कॉल, पिन, वो पुलिस का नाम से कॉल, ये सब सारा चीज मतलब कैसे ही करते रहते हैं, तो सब वही होते हैं। इनमें कोई भी ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है कि मतलब कि ये सच में एडवोकेट है, तो कोई एडवोकेट नहीं रहते हैं, समझ गए। तो एम पॉकेट से लोन लिए थे, लीगल कार्रवाई बोल रहा है, 27,000 का लोन है, 58,000 बना दिया है, क्या करे। 27,000 के इनका लोन है, 58,000 बना दिया है, तो इसमें नहीं चुकाएगा तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा भाई, और कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। सोच रहे लीगल एक्शन नहीं होगा, बस लीगल एक्शन का बात वो लोग करते हैं। सर क्या फ्लिपकार्ट पे लेटर का एजेंट घर आना शुरू कर दिए हैं? चलिए इन पर कॉल लगाते हैं, बात विचार यहाँ पर हो जाए। तो फ्लिपकार्ट का मतलब कि जो भी है रिकवरी एजेंट, अभी तो किसी घर पर मतलब कि नहीं आए, यदि आपके घर पर आए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि हमारे घर पर आए हैं, ताकि लोगों को मतलब कि जानकारी मिल सके, चाहे उसी बेस पर हम वीडियो बना सके कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का रिकवरी एजेंट घर पर आना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी तक किसी घर पर भाई नहीं आया है, तो कहाँ से बोले भाई। चलिए सर कैंडी कैश एप्लीकेशन है, पैसा नहीं दिया तो क्या होगा? तो देखिए फ्रॉड एप्लीकेशन है भाई, कैंडी कैश कर ये एप्लीकेशन है, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है। यदि नहीं इसका रिपेमेंट कीजिएगा तो बहुत अच्छा बात है, रिपेमेंट आपको करना भी नहीं चाहिए। फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करना चाहिए, रिपेमेंट कीजिएगा तो और ज्यादा आप ब्लैकमेल होइएगा, क्योंकि एक AMP क्रेडिट ये कर ये एप्लीकेशन है, उनका रिपेमेंट 2-3 बार एक कर दिए हैं, तो उनको ब्लैकमेल कर रहा है। सर एक लोन क्लियर कर दिया, दूसरा मल्टीपल लोन में फंस गए हैं। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं भाई। तो मल्टीपल लोन लेना बहुत मतलब कि ये बात है भाई, मल्टीपल लोन नहीं लेना चाहिए। मल्टीपल लोन लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए लोगों को हम बोलते हैं भाई मल्टीपल लोन ना लिया कीजिए। मल्टीपल लोन लीजिएगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक को चुकाने के चक्कर में एक एप्लीकेशन से ले लिए, इसी को मल्टीपल लोन बोलते हैं, चाहे पहले से भी लेकर रखे हैं, तो ज्यादातर लोग इसी के लिए लेते हैं। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया आवाज आ रहा है। बोलिए बोलिए। आप जो लिंक भेजे थे ना भैया, वो ओपन नहीं हो रहा था व्हाट्सएप वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोबारा भेज देंगे आपको। ठीक है, और ये बोल रहे थे ना भैया कि वो एक्चुअली हम एक से लिए थे, तो हम उसका सारा पेमेंट वगैरह क्लियर कर दिए थे। ठीक है, अब शायद वही लोग जो है ना, मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह बार बार एक ही फोटो है, तो दूसरे दूसरे ऐप वाला लोग था ना, बार बार मेरे को व्हाट्सएप कर रहा है और बोलता है कि अलग अलग ऐप का नाम लेके इससे लोन है, उससे लोन है, उसका रिपेमेंट करो। एक का फोटो भी मेरे को एडिट करके भेजा, उसका दोस्त के पास, मेरा दोस्त के पास भेज दिया था, सर हम उसको ब्लॉक करने और एक FIR कंप्लेन भी कर दिए। तो वो वहाँ जो सीनियर थे सर बोले ऐसा होता है, तो जो क्या है ना, वो 4-5 दिन करेंगे, सबको ब्लॉक कर देगा और स्टेटस में लगा। बिल्कुल वो सही बोले, बिल्कुल सही बोले। तो वही हम ये है। ठीक है, वो वाला लिंक भेज दे रहा हूँ। भेज दिए अभी, अभी यहाँ पर भेज दिए। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है ठीक। चलिए दोस्तों बात यहाँ पर हो गया, ये तो पहले ही इनको समझा दिए हैं कि इग्नोर कीजिए। ऐसे भी हम भी यही वीडियो में बोलते हैं फ्रॉड एप्लीकेशन को इग्नोर करना है। तो कॉल यहाँ पर भाई नहीं लगा यहाँ पर, तो चलिए एम पॉकेट वाले कॉल यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए दोबारा यहाँ पर कॉल करते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी बोलिए, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? चलिए डिस्काउंट एम पॉकेट वाले कॉन्टेक्ट लिस्ट फोन कर रहे हैं क्या, और घर पे उनका आ सकता है? केवल घर पर कौन कॉल करेगा और किसी पर कॉल यहाँ पर नहीं करने वाला है। तो कॉल में से जितना हो सके उतना आप लोग इग्नोर कीजिए, जितना हो सके उतना आप लोग कॉल में से इग्नोर कीजिएगा, उतना ही बेटर रहेगा। अब चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करना है, काफी लोग इस फ्रॉड एप्लीकेशन में फंस रहे हैं, समझ गए मेरी बात।
और फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करना एक भी रुपया, गलती से सोचिएगा भी नहीं। तो सर ईएमपी, काफी लोग भाई ईएमपी के मतलब कि फंस रहे हैं। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं भाई, जब पैसे आएंगे तब उसको रिपेमेंट कर दूंगा भाई। चलिए ये भी बहुत बढ़िया बात है, पैसे आएगा तो रिपेमेंट उसका कर दीजिएगा। याद रखिएगा 3 महीने से पहले आपको रिपेमेंट करना, 3 महीने बाद आप रिपेमेंट कीजिएगा तो ऐसे भी सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाएगा, तो उससे पहले कर दीजिएगा तो उतना ही आपको बेटर यहाँ पर रहेगा। और एनबीएफसी एप्लीकेशन के बारे में बोलना चाहते हैं, आप लोग नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा यहाँ पर भाई। एक बार कॉन्टेक्ट यहाँ पर सर इंस्टेंट कर मतलब कि साइट लोन एप्लीकेशन से लोन लिए। चलिए कॉल लगाते हैं, देखिए तो कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन से लोन लिया है तो उसी वीडियो में हम भाई क्लियर कर देते हैं। चाहे ये भी वीडियो देख रहे हैं अभी तक, तो इस वीडियो में बार बार हम बोल दिए कि फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करना है। और जो उनके साथ बात हो रही है वो आपकी के साथ यहाँ पर बात होगी, चाहे रील पर भी हम डाल रहे हैं 15 सेकंड 20 सेकंड का जो वीडियो, वहां पर भी देखिएगा तो आपको आसानी से जानकारी मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज कर रहे हैं भाई, चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं भाई। फ्लिपकार्ट पे लेटर भाई, यहाँ पे लेटर, पे लेटर, हाँ हेलो सर, फ्लिपकार्ट पे लेटर से आईफोन पे नहीं करूँगा तो क्या होगा, मोबाइल ब्लॉक कर देगा, ये सब नहीं होता है भाई, ये क्यों मतलब की कर दिए। एक कोई फाइनेंस कंपनी है वो ब्लॉक कर देता है सब, ये सब नहीं करते हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई भी ब्लॉक नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए आप। सर इस नंबर पर कॉल किए, चलिए कॉल लगाते हैं भाई। अब कितना नंबर पर हम कॉल लगाए हैं भाई, तो इस यहाँ पर हम ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए हम बोलते हैं इंस्टाग्राम पर मतलब कि बात विचार यहाँ पर होगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर बोलिए बोलिए। सर बोल रहा ना, 2000 रुपये से लोन लिए थे। अच्छा तो हो गया मतलब एक महीना भर हो गया। तो 10-10 रुपया मतलब डेली भर रहा। तो रिकवरी एजेंट कब आ पाते हैं घर पे आते हैं? अभी कितना दिन हो गया? पहला किस्त भरना 9 तारीख को। अच्छा और दूसरा भरना 22 तारीख को। तो दोनों नहीं भरे हैं। अच्छा 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 तो मतलब डेली के डेली 10-10 रुपया बढ़ रहा दोनों का, दोनों में 20 रुपये बढ़ रहा डेली का। हाँ तो नहीं दीजिएगा तो सिविल डाउन हो जाएगा, समझ गए। 3 महीना हो गया? 3 महीना भी नहीं हुआ है ना। मतलब 3 महीना जैसे ही देना था। अच्छा 3 महीना हुआ है। अच्छा जैसे ही 3 महीना होगा उसके बाद सिविल स्कोर आपका डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा कल सिविल स्कोर डाउन होगा, घर पे रिकवरी एजेंट? ना ना घर पर रिकवरी एजेंट अभी नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है। रिकवरी देखिए, रिकवरी एजेंट तब घर पर आते हैं जब देखेगा भाई आपका एरिया मतलब कि पास में है, ऊपर से आप डरिएगा तो रिकवरी एजेंट आते हैं, ऐसे थोड़ा ना रिकवरी एजेंट आएगा। ये है ना कि जो मतलब सिम था ना जिसने मतलब नंबर से लिए थे वो वाला नंबर बंद हो गया। अच्छा तो वही मतलब बात हो तो भी नहीं हो पा रहा। हुआ था मतलब 2023 में हुआ था 29-29 तारीख तक मतलब हुआ था अब्बा। उसके बाद नहीं हो रहा अब्बा। अच्छा तो वही दिक्कत है कि मतलब घर पे आ सकते हैं क्या, कि फोन से तो बात हो ना, व्हाट्सएप भी बंद हो गया है। नहीं घर पर नहीं आ सकते हैं, टेंशन मत लीजिए कुछ होगा नहीं। और वैसे भी मतलब बहुत मतलब अलग में झारखंड में है मेरा घर। अच्छा अच्छा वो छोटा सा पलामू जिला में है घर मेरा, तो मतलब गांव में है पूरा अंदर। शहर में नहीं। नहीं कोई टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है। हम मतलब ले लिए हैं मतलब तो 3 ऐप से। वही दिक्कत लग रहा है, एक एमपोक से भी ले लिए हैं। और ब्रांच से भी ले लिए हैं, ब्रांच में तो ज्यादा नहीं है, ब्रांच में तो एक किस्त मतलब भर दिए हैं। एम पॉकेट में 9000 रुपया है।
उसका तो अभी डेट नहीं हुआ है, 17-18 को होगा डेट, मतलब पूरेगा अच्छा। 2-2 हजार देने के लिए। नहीं कोई टेंशन नहीं है, देखिए सिविल स्कोर डाउन होगा, लीगल एक्शन कुछ नहीं होगा, अभी रिकवरी एजेंट घर पर आकर नहीं आएंगे। तो वो ही पूछा थे कितना दिन बाद आते हैं से रिकवरी एजेंट। हाँ रिकवरी एजेंट देखिए बोलने नहीं कि डिपेंड करता है, वो जरूरी थोड़ा ना कि कितना दिन में बाद आएगा, वो डिपेंड करता है। ऐसा तो आरबीआई बोलती है कि 3 महीना बाद, मतलब कि होगा 3 महीने बाद थोड़ा ना आता है, वो डिपेंड करता है एरिया वाइज और कस्टमर पर डिपेंड करता है वो तो। और एक इंस्टानोवा जो है, अच्छा ये तो फ्रॉड एप्लीकेशन है, इसका आपको नहीं रिपेमेंट करना है, इंस्टानोवा को नहीं ना करना है। ना ना वैसे मतलब हो गया 22-12 तारीख को करना था। ना रिपेमेंट आपको नहीं करना है इसका, 4 हजार का वही देता है ना। एक वीडियो आपको देखे थे उसमें तो आप बोल रहे थे कि आरबीआई से रजिस्टर हो गया है, तो ये मतलब फिर हम सोचे प्रॉब्लम हो नहीं, रिमूव हो गया उसके बाद भी, इसीलिए आपको पहले ही से मैसेज, बहुत पहले से मैसेज कर रहे थे, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हर वीडियो में कमेंट कर रहे थे। नहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है ना, मतलब कोई इतना दिक्कत नहीं ना होगा। ना कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब वही काली स्पीड स्कोर डाउन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अच्छा कैसे हो सकता है वो आपका, देखिए अच्छा तब होगा कि आपका ड्यूज रुक जाएगा, बढ़ना ड्यूज एक टाइम के लिए रुक जाता है, उसके बाद ड्यूज नहीं बढ़ता है, तो उसके बाद सिविल स्कोर ऑटोमेटिक 3-3 महीने पर अपडेट होता है, बढ़ता रहता है, समझ गए। ये पेटीएम जो है, पेटीएम पोस्ट वाला, अच्छा वो बहुत मतलब बढ़ता है उसमें पैसा। और मतलब वो उन लोग कैसा करता है, मतलब 1.5 साल हो गया मेरा, 1 हजार अपने आप नहीं आता है पैसा। अच्छा अच्छा तो 1 हजार का आज मतलब 7400 रुपया हो गया, मतलब पेटीएम में मतलब हम घुस है बंद कर दिए थे कुछ टाइम के लिए, बंद हो गया था तो फिर चालू किया तो देख तो इतना हो गया है। नहीं तो अभी तक आपका बढ़ रहा है तो सिविल स्कोर तो डाउन हो रहा होगा। हाँ वो तो डाउन हो रहा है, 500 हो गया सिविल स्कोर मेरा, वो रुक जाएगा तो आपका सिविल स्कोर बढ़ने लगेगा, समझ गए, नहीं रुकेगा तो सिविल स्कोर ऐसे ही डाउन होगा। मतलब खाली फोन करते थे सब के, सब भर दो कहने भर रहा, देख रहे 1 हजार का 7 हजार हो गया, तो उतना ऐसा कहाँ से फोन करता, मतलब उसमें नहीं ना कोई लीगल एक्शन, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, ये समय कोई लीगल एक्शन नहीं होता है। क्या पेटीएम वाला तो बहुत मतलब उससे कोई मतलब नहीं ना, पेटीएम वाला चाहे कोई भी चाहे, लीगल एक्शन कहाँ पर होती है कि जहाँ पर मतलब कि आप पूरा डॉक्यूमेंट दिए हैं, समझ गए, डॉक्यूमेंट दिए हैं वहां पर लीगल एक्शन होती है, ऐसे लीगल एक्शन नहीं होती है ना। खाली वो सब तो ये 500 पेटीएम से और आधार कार्ड से दे दे रहा है लोन। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्यूमेंट ये सब घर उर का थोड़े ना मांग रहा, बिल्कुल बिल्कुल कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए दोस्तों बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं क्या लोगों को वैसे यही है भाई, मुझे आपसे बात करनी है, नंबर दीजिए। चलिए भाई कॉल लगाते हैं पर क्या इनको बात करनी है, जो भी है पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, यदि कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा तो आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम बोलते रहते हैं कि कोई भी वीडियो देखिए तो कंप्लीट वीडियो देखिए, ऐसे आप आधा अधूरा कोई भी वीडियो देखिएगा तो आपका डाउट क्लियर नहीं होने वाला है। देखते हैं कॉल उठा लेंगे तो ठीक है भाई, यहाँ पर उसके बाद चलिए यहाँ पर देखते हैं भाई। सर मैंने, हाँ ट्रू बैलेंस, हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए सर,
मैंने एक लोन लिया था ऐप से। अच्छा हाँ, मतलब कि मैंने लिया, रिपेमेंट किया, सब कुछ हो गया ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा अप्लाई किया। अच्छा अच्छा, तो क्या मैं लोन, मान लीजिए लोन ना पे, 3 दिन ओवरड्यू हो गया उसके बाद मेरे ऐप स्टोर पे और वो ऐप भी नहीं शो हो रहा है। नहीं तो फ्रॉड एप्लीकेशन है वो, नहीं वो फ्रॉड एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था? नहीं, ऐप स्टोर से, आईफोन से। अच्छा, वहां पर अब एप्लीकेशन वो नहीं शो हो रहा है? नहीं शो हो रहा है। तो वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, कॉल में से आता है, इग्नोर कीजिए। अरे मैंने उससे लिया है, मान लीजिए 50,000। 3 दिन से कॉल मैसेज आ रहा है, मैं पिक नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो कॉल मैसेज को इग्नोर करना है, कोई 1 भी रुपया देना नहीं है। मतलब मैंने एक दो बार लिया तो मैंने उसको रिपेमेंट कर दिया, कहीं से मैं सोचा बढ़ जाए थोड़ा अमाउंट। तो उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो नंबर मेरा उस पे है, वो नंबर से मैं व्हाट्सएप चला रहा था, तो व्हाट्सएप चला रहा था, मैसेज वगैरह मतलब वो आते थे व्हाट्सएप पे, और मैंने वो नंबर से व्हाट्सएप भी चेंज कर दिया है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कॉल आता तो इग्नोर कीजिए, पे ना करूँ ना? ना ना, पे नहीं करना आपको, ठीक है। मतलब ऐप स्टोर पे शो भी नहीं हो तो मैं सोचा, मैं सुबह से देख रहा था आपको, मैंने बहुत दिन पहले फॉलो किया था, यूट्यूब वगैरह देखता हूँ आपका, तो मैं सोचा आपसे ही बात करता हूँ। आप भी बताएंगे? नहीं कोई टेंशन नहीं, मैंने भी देखा था आपको, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल इग्नोर जितना कीजिएगा उतना ही बेटर रहेगा इसका। 3 दिन तो हो गया है, देखते हैं कितना कॉल आता है, दिन और 5-10-15 कॉल आ जाता है। बस ऐसे ही इग्नोर करते रहे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा 1 सप्ताह बाद। ठीक है ठीक है, चलिए दोस्तों बात यहाँ पर हो गया, आप चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी बोलिए, आवाज आ रही है आपको? बोलिए बोलिए भाई। एक आपने मेरे को 2600 बोल के दो भेज दिया है पैसा, एक NEFT होके आया है। अच्छा अच्छा, हेलो। हाँ हाँ, मैसेज आ रहा है 2 दिन से, शायद मैसेज जो लोग कर रहे हैं मेरे को। मेरे को पता नहीं था, मैं अकाउंट चेक कभी भी नहीं किया था। जैसे ही मैसेज आया तो मैं अकाउंट चेक किया, 2 जगह से मेरे को NEFT हुआ है। उसका डिटेल तो निकाल नहीं पाया हूँ, कल बैंक खुला रहेगा तो निकाल लूंगा उसका। वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कुछ करेंगे क्या? ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम, पैसा आगे आराम से रखते रहिए, 1 रुपया देने की उसको जरूरत नहीं है। मैं मेरे तो नॉर्मली जो बाहर से कॉन्टेक्ट से बाहर कॉल करता है वो तो कॉल नहीं आता है मेरे से, क्योंकि सब ब्लॉक करके मैं डाला हूँ, ऐसे ही नहीं आएगा। वो लोग अलग अलग नंबर से व्हाट्सएप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों कर रहे हैं वो लोग? वो फ्रॉड एप्लीकेशन है ना, वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, वो उनका ऐसा ही काम है, ऐसा ही करते रहते हैं सबके पास। दो तीन साल पहले मेरे साथ एक हुआ था केस। अच्छा, हेलो। ऐसे पैसे देते रहते थे, बहुत परेशान करते थे, बाद में मैं नंबर चेंज कर दिया। अभी फिर मैं एक्टिव हो गया, तो मतलब नंबर चेंज कर दिया, बाद में ये नंबर ले लिया मैंने। अभी अकाउंट में फिर डाल रहे हैं, करते हैं उनको कांटेक्ट मिल जाता है, पता नहीं। ये तो पैसा आपके अकाउंट में आके रखे रहिए, समझ गए, पैसा आ गया ना। तो पैसा कॉल नहीं आएगा ना? ना ना कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इसे अगले जैसा नहीं करेंगे ना, जो वैसे मैसेज करते थे 2-3 साल पहले भी मेरे साथ हुआ था ऐसे। जैसे कि फोटो इसको इसको भेजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ करेंगे क्या ऐसे? ना ना, अब नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हाँ इग्नोर कीजिए, समझ गया। आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? अच्छा दे देंगे, आप पर भेज देंगे। ठीक है, कुछ होगा तो कल मेरे को, क्योंकि 7 दिन पहले आया था ना, जैसे कि 16 तारीख करके उनका आ रहा है मैसेज मेरे को, पेमेंट डेट। नहीं पैसा होने लगा ये। नहीं पैसा आ गया तो रखे रहिए, देने होने की जरूरत नहीं है, इग्नोर कीजिए। ठीक ठीक है, चलिए दोस्तों इनको बता दिए, काफी लोग मतलब कि
काफी लोग फ्रॉड एप्लीकेशन में फंस रहे हैं भाई, इसीलिए बोल रहे हैं भाई पैसा वैसा मत दीजिए, पैसा दीजिएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। चलिए कॉल लगाते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तो सारा डाउट यहीं पर क्लियर हो जाएगा, फिर कमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा तो कमेंट करने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कंप्लीट नहीं देखिएगा तो दिक्कत यहाँ पर हो सकते हैं। फ्रॉड ऐप वाले मैसेज कर रहे हैं भाई, काफी लोग फ्रॉड एप्लीकेशन में फंस रहे भाई। लग रहा है भाई रोड एप्लीकेशन से ही भाई दिक्कत है, यदि नहीं चुकाइएगा तो काफी ज्यादा टेंशन ये लोग करते हैं। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, अब पे लेटर में काफी लोग भी फंस रहे हैं भाई, पे लेटर वाले बहुत पूछ रहे हैं, डिजिटल बैंक से लोन दिया था रोड। सेवन डे फ्रॉड एप्लीकेशन। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए। मैं पूछ रहा था कि फ्लिपकार्ट पे लेटर में जैसे मेरे को 80,000 लिमिट मिली थी, मैंने यूज कर ली है। अच्छा एक्चुअली क्या मेरे फ्रेंड ने भी थोड़ी यूज करी थी, फोन मंगा दिया था तो अभी वो मुझे पे भी नहीं कर रहा है ईएमआई। उसका कुछ क्या होगा? उसका 3 महीने बाद आपका सिविल स्कोर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ लीगल एक्शन ये सब नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है आपको, तो वो सिम तोड़ दे जिस नंबर से ना, कोई सिम तोड़ इग्नोर कीजिए, इग्नोर करो कॉल मैसेज भाई, इग्नोर करो भाई कॉल मैसेज, सिम क्यों तोड़ना है भाई, जितना हो सके उतना इग्नोर कीजिएगा उतना ही बेटर यहाँ पर आएगा। सॉरी सर बॉस यहाँ पर आ गया भाई, जॉब में यही दिक्कत यहाँ पर होती है भाई, प्राइवेट जॉब में, सरकारी नौकरी है तो आराम से घर पर सोइए चाहे कुछ भी कीजिए, यहाँ पर कौन बोलने वाला है, खुद का बॉस है भाई। भाई मैंने धनी एप्लीकेशन से 2020 में 3,000 का लोन लिया था, अभी 11,500 कर दिया, 11,500 तो पोस्टल नहीं इतना दे, क्यों देना है भाई, धनी एप्लीकेशन तो प्ले स्टोर से बैन हुआ कर गया भाई, 1 रुपये क्या देना है, सिविल डाउन कर दे। कुछ नहीं चलिए यहाँ पर भाई घर वाले के पास कॉल नहीं जाएगी क्या, स्टोरी लगा दो, मोबाइल हैक हो गया काम खत्म है यहाँ पर भाई, क्या टेंशन है पर लेने वाली है भाई, यहाँ पर घर पर फोन जाएगी या बाहर जाएगी क्या, यह टेंशन लीजिए, जितना टेंशन लीजिएगा उतना ही टेंशन यहाँ पर होगा। रूपी रेडी से इतना का लोन लिया था, इतना कर दिया, पैसा नहीं है, फिर यहाँ पर कॉल लगाते हैं। कुछ हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ गुड इवनिंग भाई। हाँ भाई वो एक था ये क्या बोलता हूँ ना, धनी एप्लीकेशन से जब 2021 या 20 या 21 में लिया था और उस समय मतलब कोरोना था तो दे नहीं पाया था, तो उसका एजेंट आया था पता नहीं कौन था, तो बोला तो हम उसको दे दिया, हमने लिया भाई तो अपना पैसा पकड़ तो जा, वो अपडेट करा कि नहीं करा पता नहीं, अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया मेल में तो मैं देख तो हम लिया, तो उसमें भी देख रहा हूँ तो 11,500 कुछ रुपए,
करूंगा मैं। नहीं।